फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन मार्केट में। दोस्तों, आज आपके लिए आए हैं फेनसिडिल डीएक्स कफ सिरप, जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा चलने वाला सिरप है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मौसम चेंज हो रहा है, बरसातों का मौसम है, तो बच्चों को बड़ों को मौसम चेंज होता है तो खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, नज़ला खांसी, बुखार ही बहुत ज़्यादा चल रहा है दोस्तों। तो उसी को देखते हुए दोस्तों आपके लाए हैं ये वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कि आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज हम आपको फेनसिडिल डीएक्स सिरप के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि इसके क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, कितनी मात्रा में आप इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपनी वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके बात करते हैं। दोस्तों, फेनसिडिल सिरप अबॉट कंपनी का बेस्ट प्रोडक्ट है। दोस्तों, अबॉट कंपनी एक पेटेंट कंपनी है, जो कि मतलब बहुत सारे एथिकल चीज़ें बनाती है, जैसे कि डाइजिन है, डाइजिन सिरप भी आता है, टेबलेट भी आती है, और भी बहुत सारे इसके प्रोडक्ट हैं। सेम उसी तरह दोस्तों फेनसिडिल डीएक्स सिरप भी एक बहुत अच्छा सिरप है। इसके अंदर अगर हम फॉर्मूले की बात करें, यानी कि कंपोजिशन की बात करें, तो दोस्तों इसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोफ्रेन, हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरोफेनरामाइन, ये सब दोस्तों इन तीन चीज़ों को, तीन दवाओं को मिलाकर ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है। दोस्तों, इसकी 5 ml की जो कंटेंट है, उसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथोफ्रेन 10 mg है और CPM 2 mg है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा सिरप है ये। अगर हम इसके बेनिफिट के बारे में बात करें, तो दोस्तों ये सूखी खांसी, धसका, गले में खराश, सीने में भारीपन, नज़ला हो, ये दोस्तों इन चीज़ों में सब में काम करता है। ये नज़ला आपका पक गया हो तो दोस्तों उसमें भी काम करता है, सूखा धसका सा उठता हो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों ये। दोस्तों, आपको ये सिरप 5-5 ml के ढक्कन के हिसाब से आप दिन में 3 बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि बच्चा छोटा है तो आप उसको 3 ml इस्तेमाल करा सकते हैं, यानी कि इतना 2.5 ml का पैक निशान लग रहा है, इससे थोड़ा से 3 ml ऊपर दिन में 3 बार गुनगुने पानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें, इसके कई तरह के साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, जैसे कि हाथ पैरों में कंपन सी हो जाना, जी मिचलाना, सीने में भारीपन, जी मिचलाना, उपकाई, और हाथ पैरों में रेशीज हो जाना, पित्ती सी उछल जाना, अर्टिगेरी जिसे बोलते हैं, और हाथ पैर दोस्तों ऐसे हो जाते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा वीकनेस सी फील होती है, उसको चक्कर से आने लगते हैं, हाथ पैरों में कंपन सी होने लगती है। इस तरह के दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। तो दोस्तों, बस आपसे यही गुजारिश है कि इसको ओवरडोज ना लें। और दोस्तों, जो साइड इफ़ेक्ट दिखाई देंगे ये ओवरडोज पर दिखाई देंगे, अन्यथा इसके साइड इफ़ेक्ट है नहीं। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, और कोई भी हमसे बात पूछे किसी से भी रिलेटेड है, तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई तुरंत देंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल मेडिसिन मार्केट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।